हेलो फ्रेंड्स, आपने बहुत दिनों के बाद देखा होगा मुझे। इनफैक्ट मुझे और अमोल दोनों को ही, हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी चल रहे थे, तो आज टाइम मिल गया। फॉर्चुनेटली हम दोनों के पास आज टाइम है, तो सोचा कि चलो एक फिर से छोटा सा ट्रैवल करके आते हैं कहीं। तो अमोल ने सजेस्ट किया कि एक नेचर में उन्होंने एक प्लॉट लिया है, देखने जा रहे हैं। तो वो प्लॉट देखने जाएंगे हम लोग और आगे एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे रास्ते को। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो आप जैसे जानते हैं कि ओविज ब्लॉग इज ऑल अबाउट ट्रैवल, जर्नी और इन्फॉर्मेशन, तो ओम भाई जो है हमारे, उनके जर्नी में उन्होंने कुछ एक बहुत अच्छी चीज खोई है जो हम सब खोना चाहते हैं कभी ना कभी। मतलब जिनके पास वो बहुत ज्यादा है वो खोना चाहते हैं, वो चीज है उनका वेट। तो उन्होंने वेरी हेल्दीली 3 से 4 महीने में 10 किलो वेट, अगर आपने उनके पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे और आज आगा अगर उनको आप देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से वेट लॉस किया है। तो चलो जानते हैं उनसे ही कि किस तरह से उन्होंने मैनेज किया है वेट लॉस और क्या-क्या मुश्किलें आई है उनके वेट लॉस के जर्नी में। ट्रैवल है ना हमारा, तो जर्नी के बारे में जरूर बात करेंगे। चलो ओम भाई, बताइए आपने किस तरह से ये वेट लॉस मैनेज किया है, या फिर आपने किस तरह की जर्नी रही है आपकी इस वेट लॉस के बारे में? हाँ, जैसे जब मैंने पहली बार सोचा इसके बारे में तो मुझे लगता था कि काफी डिफिकल्ट होगा। काफी फ्रेंड लोग करते थे या यहाँ वहाँ से सुनता था तो मुझे लगता था कि काफी डिफिकल्ट है। लेकिन बिलीव मी, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मेरी शुरुआत एक्चुअली हुई थी होली के बाद, मार्च एंड में। तो मुझे एक्चुअली एक बेसिक प्रॉब्लम था जो मेरे डेली लाइफ को अफेक्ट करता था, वो है एसिडिटी। तो मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि अगर आप नेचुरल थेरेपी के ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको राहत मिलेगी इससे। और मेरे कुछ फ्रेंड लोग जाकर आए थे ट्रीटमेंट लेकर, तो वो लोग बताए कि काफ़ी अच्छा है, फीडबैक अच्छा दिया था लोगों ने। तो मैं उनके साथ चला गया नेचुरल थेरेपी के लिए और वहाँ मैं 3 दिन रुका और नेचुरल थेरेपी करके आया। और दैट वॉज द ट्रिगर पॉइंट, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वेट लॉस की। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मार्च एंड में गया था और आज हम लोग हैं अक्टूबर में, और उस दिन से आज तक मुझे एक भी दिन एसिडिटी की शिकायत नहीं हुई है। तो जस्ट मैं मोटिवेट हो गया इस प्रोसेस से। जैसे मैंने बताया कि फिर वो नेचुरल थेरेपी ट्रिगर पॉइंट था हमारा। जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपके पास थोड़ा सा वेट लॉस करने का और स्कोप है। नेचुरल थेरेपी करते करते ही मैंने 4 किलो वेट लूज कर दिया था। उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी भी स्कोप है कम करने का, तो मैंने उसे सीरियसली लिया। और क्योंकि जो प्रोसेस था जो वहाँ पे हमने फॉलो किया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा चलो इतना दिन अगर हमने इस पे टाइम बिताया है तो आगे भी फॉलो करेंगे। और उसके बाद आके मैं फिर जैसे उन्होंने डाइट बताया था वो सब डाइट फॉलो करने लगा। मैं 4 टाइम अब भी खाता हूँ, लेकिन कब क्या खाना है वो एक पैटर्न है जो मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं करता गया और डिसिप्लिन से और सब कुछ अपनी जगह पे। तो फाइनली मैं 10 किलो वेट लॉस कर चुका हूँ और मैंने उसे मेंटेन रखा है अभी तक। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मार्च से लेके अक्टूबर तक तो मेरा वेट पहले ही कम हो गया था और मैंने जस्ट उसे मेंटेन रखा है। मुझे अभी और कम नहीं करना है और मुझे ना बढ़ाना है। तो बस हेल्दी डाइट खाते रहिए। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा डाइट पैटर्न पे, बट आप अपने फिजिशियन को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको भी डाइट प्लान चाहिए तो। बट यही है कि डिसिप्लिन रखना पड़ेगा आपको लाइफ में। तो सुना आपने दोस्तों कि ये कोई इजी वे आउट नहीं है वेट लॉस, आप मेरे तरफ देख सकते हैं, नहीं होता आसानी से। और जो ओम भाई ने किया है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया है, बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ किया है, बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ किया है। डाइट जो उनका था और जो आज वो ले रहे हैं, मैं जानता हूँ उनका दोस्त होने की वजह से, तो उन्होंने बहुत सारा कंट्रोल किया है। और सिर्फ डाइट नहीं किया है उनका, जो जिम जाना इतना रेगुलर हो गया है, वो हर एक एक्सरसाइज या फिर जो भी है उन्होंने टाइम दिया है और टाइम के साथ किया है। आपने देखा होगा बहुत सारे हीरो हीरोइंस भी फटाफट वेट लॉस कर लेते हैं, सेलिब्रिटीज जो होते हैं, और वापस उनका गेन हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो
आप भी अगर वेट लॉस का सोच रहे हैं तो उसको टाइम दीजिए, गाइडेंस लीजिए, अच्छे से डाइट कीजिए। मन पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, मेरा नहीं है तो उसके वजह से मेरा तो नहीं होगा, लेकिन आप कर सकते हो। डाइट और एक्सरसाइज दोनों का बैलेंस बनाइए, मन पे कंट्रोल रखेंगे तो हो जाएगा शायद आपका। और मैं भी कोशिश करूंगा, अगर हो गया तो किसी अगले एक साल बाद वाले ब्लॉग में आप देखोगे शायद मैं भी पतला हो जाऊं। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक और मेरे लिए भी। सो फ्रेंड्स, हमने आपको थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर रखा था, हम लोग ट्रैवल से सीधा हेल्थ पे आ गए थे, बट अमोल के इंटेंशन थे जर्नी बताने की, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं, अभी हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग प्लॉट देखने जा रहे थे लेकिन हमने इस ब्लॉग का प्लॉट ही बदल दिया और इसको एक ट्रैवल ब्लॉग की जगह पॉडकास्ट हो गया, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के लिए अच्छी है तो हम उसे जरूर बताएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि आप उसको किस तरह से लेते हैं, लेकिन एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बतानी थी इसलिए दिया। अब हम चल रहे हैं ये प्लॉट देखने के लिए। आप देख सकते हो ये पहाड़ों में रास्ता चल रहा है, तो इसको नेचर के बीच में ही थोड़ा देखना है हमको, इसलिए इस तरफ देख रहे हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अमोल और मैं इस रास्ते पर काफी बार आते हैं, स्पेशली बारिश में और बारिश के आसपास, क्योंकि ये काफी सीनिक रास्ता है, पूरा नेचर के बीच से गुजरता हुआ पहाड़ों के ऊपर, तो काफी मजा आता है यहाँ पे आने के बाद, काफी सुकून मिलता है। तो इसी नेचर के बीच में ही कहीं अमोल हमें प्लॉट दिखाने लेके जा रहे हैं, तो अमोल को मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर रीजन क्या है इस तरह प्लॉट देखने का। अमोल, एक तो मैं चाहता था कि मेरा जो प्लॉट हो वो सिर्फ लेके वहां पे रखना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज नहीं है, लेके उसको यूटिलाइज करना है, तो घर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये मेरे घर से अगर है तो भी ये 40-45 मिनट के ड्राइव पे है, तो एक वीक में, वीकेंड्स में आप कभी भी आ सकते हो और वहाँ पे कुछ प्लांटेशन कर सकते हो, जो जगह लिया है उसका मजा ले सकते हो। ये नहीं है कि भाई लेके रख दिया, पता नहीं कहाँ है, 6 महीने में एक बार जा रहे, तो वो पर्पज नहीं था, ना ही ये इंटेंशन था कि आज लिया है कल डबल हो जाएगा तो बेचना है। तो ये सब थॉट प्रोसेस की वजह से, और नेचर के साथ रहना है। नेचर आप देख सकते हो किस तरह की हरियाली है यहाँ पे, अब बारिश रुक गई है यहाँ पे, मतलब आप गर्मियों तक इस तरह का हरापन यहाँ पे देखोगे, क्योंकि पानी है, वाटर बॉडीज है दोनों तरफ। तो यही सोच से यहाँ देख रहे, देखो आप भी, आपको कैसे लगता है ये सोच हमारी की अगर आपको जगह लेनी है तो उस हिसाब से लो कि जहाँ पे आप जाओ आओ, अपनी जगह का स्वाद लो, रहो, या फिर हर एक का अलग सोच है कि अगर लेके पैसा डबल करना है या फिर बहुत दिनों बाद उस पर कुछ करना है, तो हर एक की अलग सोच है। लेकिन मेरा ये सोच था कि वो घर के पास रहे, नेचर के साथ रहे और उसका इस्तेमाल भी हो। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जहां अमोल ने प्लॉट देखने का बताया था, बस 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि ये नेचर के बीच में, आप व्यू देखिए यहाँ का, और मैं समझ सकता हूँ कि अमोल को इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है यहाँ पर। आप देखिए चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और ये फूल, अद्भुत अद्भुत। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये गेट है सामने, यहाँ से हमको लेफ्ट में नीचे जाना है। ये फार्म्स एंड फील्ड करके ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्लॉट लेती, तो ये एक गेट बनाया किले की तरह इन्होंने, और यहीं पे है जहाँ पे हम प्लॉट देखने हैं। यहाँ पे कोई रिसोर्ट बना रहा है इस यहाँ पे, और ये नीचे एक मंदिर है, और ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो सिंहगढ़ है। तो ये सिंहगढ़ व्यू वाला है, आप अगर जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये सिंहगढ़ है और ये यहाँ पे हम लोग अभी पहुँच रहे हैं, बताते आपको आगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा जो घर देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, ये हमारे एक फ्रेंड का ही है। यहाँ से व्यू देखिए, वैली के बीच में काफी सुंदर दृश्य।
अभी ये जस्ट बन रहा है, अभी इनिशियल फेज में है। पूरा डेवलप होने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा, और इसीलिए हमारे अमोल मोहित हो गए हैं। अगर इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो एक बार ये पूरा डेवलप हुआ हुआ प्रॉपर्टी आपको देखने मिलेगा। शायद हम दोनों का भी इसमें कुछ प्लॉट हो तो वो भी आपको दिखाएंगे। आज तो हम देखने आए हैं, शायद शायद वाली चीज़ है, लेकिन बहुत ही अच्छा है तो सोचा आपके साथ शेयर करें। सो अमोल, थैंक यू सो मच इस जगह पे लाने के लिए। वैसे हम तो आते रहते हैं, बट ये व्लॉग में जो कैप्चर हुआ है हमारे व्यूवर्स को काफ़ी काम आएगा। और अमोल ने काफ़ी हेल्थ के बारे में बात की आज, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में फीडबैक दें, क्योंकि ये टॉपिक से थोड़ा हटके था। आपके फीडबैक के ऊपर ही हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।